हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में हम टाइप्स ऑफ ऑटोमेटा स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ ऑटोमेटा। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास ऑटोमेटा के दो टाइप्स होते हैं। पहला है नॉन डीएफए, फर्स्ट वन इज दी DFA, यानी डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। और सेकंड टाइप है हमारा NFA, यानी नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। ठीक है, तो इसमें से हमारा है पहला डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। ओके, डीएफए, हियर डीएफए रिफर्स टू द डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। ओके, डीएफए refers to the deterministic of automata। ठीक है, तो यहाँ पे deterministic का मीनिंग होता है यूनिकनेस। ओके, ये जो deterministic वर्ड है इसमें ही सारा DFA और NFA को हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, यूनिकनेस को रिप्रेजेंट करता है यूनिकनेस। ओके, अभी मैं इसका स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम निकाल के दिखाता हूँ ताकि आपको सारी चीज़ें क्लैरिफाई हो सके। ठीक है, तो हमारा स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम क्यू नॉट इनिशियल स्टेट, क्यू वन, क्यू टू और ये होगी हमारी क्यू थ्री। ठीक है, हमारे स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम में चार या चार से मतलब यहाँ पे कोई फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स होने चाहिए। ठीक है, एग्जांपल के तौर पर मैंने चार स्टेट लिए हैं। यहाँ पे हमारा जो लास्ट स्टेट होती है हम डबल सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी ये हो गई हमारी फाइनल स्टेट। और जो इनिशियल स्टेट होती है हम वो इस एरो सिम्बॉल से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हो गई हमारी इनिशियल स्टेट। अभी हम जो ट्रांजिशन शो करेंगे बिटवीन दिस स्टेट्स, सपोज ये ट्रांजिशन मैंने शो किया है फॉर द इनपुट ज़ीरो फ्रॉम क्यू नॉट टू क्यू वन। अभी क्यू वन से क्यू टू तक एक और ट्रांजिशन फॉर द इनपुट वन, और क्यू टू से क्यू थ्री फॉर द इनपुट ज़ीरो। ठीक है, और एक दिखा देंगे हम क्यू वन से क्यू थ्री तक फॉर द इनपुट, ये हमारा डी एफ ए होगा। ठीक है, हम डी एफ ए का एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो हाँ बिल्कुल सही है, फॉर द इनपुट ज़ीरो होगा। ठीक है, इन द डी एफ ए द मशीन गोज टू द वन स्टेट ओनली फॉर ए पर्टिकुलर इनपुट कैरेक्टर। ओके, डी एफ ए में हमारी जो मशीन है पर्टिकुलर इनपुट के लिए एक ही स्टेट को ट्रांजिशन शो करेगी। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं क्यू नॉट से ट्रांजिशन क्यू वन पे दिखा है फॉर द इनपुट ज़ीरो, तो हम ज़ीरो इनपुट के लिए और एक ट्रांजिशन नहीं दिखा सकते, उसके लिए हमको दूसरा इनपुट लेना पड़ेगा। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने क्यू वन से क्यू टू पे ट्रांजिशन शो किया है फॉर द इनपुट वन, और जो दूसरा इनपुट दूसरा ट्रांजिशन दिखाया है क्यू वन स्टेट से क्यू थ्री तक, उसके लिए हमने जो इनपुट है वो ज़ीरो यूज़ किया है। ठीक है, मतलब सेम इनपुट नहीं होना चाहिए। ठीक है, इन द डी एफ ए यही बेसिक सा डिफरेंस है डी एफ ए और एन एफ ए में। ठीक है, इन द डी एफ ए द मशीन गोज टू
one state only for a particular input character. ठीक है, और DFA does not accept the null move. DFA में हम null move accept नहीं करते. null move यानी epsilon. ठीक है, DFA does not accept null move. Okay, that is epsilon. यही था हमारा DFA. लेकिन NFA में अभी हम देखेंगे नेक्स्ट टाइप है हमारा NFA, दैट इज नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा. ठीक है, इसमें फॉर हम जितने भी नंबर ऑफ ट्रांजिशन दिखाना चाहते हैं वो दिखा सकते हैं फॉर द सेम इनपुट. ठीक है, उसका भी स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम में निकाल के दिखाऊंगा. इन NFA वी कैन ट्रांसमिट एनी नंबर ऑफ स्टेट्स फॉर द पर्टिकुलर इनपुट. ओके, एंड इट इज आल्सो एक्सेप्टिंग द नल मूव. ठीक है, इन NFA we can transmit any number of states for a particular input. Okay, input. And it is also accepting the null move. Okay, it is also accepting null move. That is epsilon. अभी इसका स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम निकाल लेंगे. वही Q naught इनिशियल स्टेट, Q1, Q2 और ये Q3. फाइनल स्टेट हो गई हमारी Q3 और इनिशियल. ठीक है, अभी हम ट्रांजिशन दिखाएंगे, उन पर ध्यान देना. फॉर द इनपुट जीरो हमने Q0 से Q1 पर ट्रांजिशन दिखाया है. फॉर द इनपुट वन और यहाँ पे वन लेते हैं. ठीक है, तो मैं और एक ट्रांजिशन दिखा सकता हूँ फॉर द सेम इनपुट, दैट इज ज़ीरो. ठीक है, मैंने ज़ीरो इनपुट के लिए दो ट्रांजिशन शो किया है फ्रॉम क्यू नॉट से क्यू वन, और दूसरा ट्रांजिशन है जो सेल्फ ट्रांजिशन है. और यहाँ पे आप देख सकते हैं क्यू वन से क्यू टू तक हमने वन पे वन इनपुट के लिए ट्रांजिशन दिखाया है, और मैं फॉर द सेम इनपुट दैट इज हम वन के लिए और एक ट्रांजिशन दिखा सकते हैं फ्रॉम Q1 से Q3. ठीक है, यही है हमारा बेसिक सा डिफरेंस बिटवीन DFA और NFA में. ठीक है, और जो लास्ट पॉइंट है, इट इज आल्सो एक्सेप्टिंग द नल मूव. ठीक है, बट इसका मतलब क्या है, अगर सपोज मैंने ऐसा सेल्फ ट्रांजिशन दिखाया और इसमें नल दैट इज एप्सिलॉन का सिंबल दिखाया ये वाला, तो ये भी है एक्सेप्ट करेगा, मतलब नल मूव के लिए भी ट्रांजिशन ऑकर होगा NFA के लिए. ठीक है, तो यही था. अभी हम कुछ सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे DFA और NFA के. ठीक है, सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अबाउट NFA एंड DFA. विजिट important points about NFA and
डीएफए, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट है, एवरी डीएफए इज एनएफए बट एनएफए इज नॉट नेसेसरीली डीएफए, ठीक है। एवरी डीएफए इज एनएफए बट एनएफए इज नॉट डीएफए, ठीक है। हमारे जितने भी डीएफए होंगे वो सारे के सारे नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा होंगे, पर जरूरी नहीं है कि जो एनएफए है वो डीएफए होगा ही। सेकंड पॉइंट, देयर कैन बी मल्टीपल फाइनल स्टेट्स इन बोथ एनएफए एंड डीएफए, ठीक है। देयर कैन बी मल्टीपल फाइनल स्टेट इन बोथ एनएफए एंड डीएफए, ठीक है। अभी जो हमने स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम निकाले थे उनमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करेंगे इस पॉइंट से। मतलब हमने इसमें एक ही फाइनल स्टेट दिखाई है जो कि Q3 है, तो इसमें मैं जो इनिशियल स्टेट है उसको भी फाइनल स्टेट बना सकता हूँ, ठीक है। तो इसमें हमारे पास दो फाइनल स्टेट आ गए। उसी तरह यहाँ पे देख सकते हैं, यह जो इनिशियल स्टेट है इसको भी हम फाइनल स्टेट बना देते हैं, ठीक है। तो बेसिक सा फंडा है कि देयर कैन बी मल्टीपल फाइनल स्टेट इन बोथ एनएफए एंड डीएफए। डीएफए एनएफए इज मोर ए थियोरेटिकल कंसेप्ट, ठीक है। एनएफए इज मोर ए थियोरेटिकल कंसेप्ट। और जो लास्ट पॉइंट है हमारा जो है, डीएफए कैन बी यूज्ड इन ए लेक्सिजियल एनालिसिस इन कंपाइलर। इज यूज्ड इन लेक्सिजियल एनालिसिस इन कंपाइलर, ठीक है। हमारा जो डीएफए है वो हम कंपाइलर में यूज़ करेंगे। तो यही था हमारा टाइप्स ऑफ ऑटोमेटा।